ओम शांति। आज हम 21 जून और 28 जून की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो मुरली चली, जो रिवाइज डेट थी 16 फरवरी 1986 और आज की मुरली 28 जून की जो मुरली थी वो 18 फरवरी 1986 की रिवाइज डेट की मुरली थी, इस पर आज हम रूह रहान करेंगे। हमारे बीच हमारी आदरणीय सपना दीदी उपस्थित हैं। तो बाबा ने जो भी इन मुरलियों में विशेष पॉइंट्स सुनाए उस पर हम चर्चा करेंगे, जिससे हमारे मुरली मंथन अच्छे से हो और हमें इसमें स्वोन्नति के लिए पॉइंट्स मिले। तो बाबा ने 21 जून को जो मुरली सुनाई उसमें बाबा ने 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो इस पर कहा। इसमें जो पहला प्रश्न है वो ये कि संस्कार मिलन की रास के लिए बाबा ने दो बातों के ऊपर अटेंशन खिंचवाया। पहला, सरलता और नम्रता का गुण धारण करो। दूसरा, ईजी एंड एक्टिव नेचर। बाबा ने कहा इन दोनों को अपने अंदर धारण करो जिससे हमारा संस्कार मिलन एक दूसरे के साथ होगा। दीदी, हम इसको प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अपनाएं? ओम शांति। बाबा ने 108 रत्नों की माला में, विजय माला में आने के लिए जो मुख्य पॉइंट बोला उसमें, जिसको बाबा ने दो तीन बार रिपीट किया कि संस्कार मिलन की रास हमको करनी है, तब हम विजय माला में आ सकेंगे। अब ये जो बाबा ने संस्कार मिलन की रास बोली है, इसको भी गहराई से समझना है कि हमको अपने संस्कार किसके साथ मिलाने हैं। अर्थात अगर हमें 108 की माला में आना है तो हमें 108 रत्नों के साथ अपने संस्कार मिलाने होंगे। तो वो 108 रत्न, इसलिए बाबा ने हमको, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा, तो जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने किया उनके साथ हमको अपने संस्कार मिलाने हैं। एक तो ये संस्कार मिलन की बात है, और जब हमारे मम्मा बाबा से संस्कार मिलने शुरू हो जाएंगे अर्थात मैच होने शुरू हो जाएंगे, तो हमारे लिए बाकी आत्माओं के साथ मैच करना अर्थात उनके साथ मिलन करना अर्थात उनके साथ मिलकर चलना सहज हो जाएगा। एक मिलन होता है मैचिंग, कि उनके जैसा बनना, और एक मिलन होता है कि अपने आप को भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माओं के साथ एडजस्ट करके चलना। तो बाबा के साथ, मम्मा के साथ, ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ हमको अपने संस्कार मैच करने हैं, तो हमारे लिए बाकी आत्माओं के साथ संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरा जो उसमें बाबा ने बातें बोली कि धारण करो अपने में सरलता का गुण धारण करो, नम्रता का गुण धारण करो और इजी नेचर बनाओ, ये जो बाबा ने बातें बोली। और चौथी बात जो बाबा ने बोली इजी के साथ, बाबा ने कहा कि एक्टिव बनो। अब ये जो बाबा ने बातें बोली, अगर इसको आप गहराई से देखेंगे तो ये चारों ही बातें आपस में कनेक्टेड हैं, इनका आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे अंदर नम्रता होगी, हमारे स्वभाव में नम्रता होगी, तो हम सरल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और जिसके अंदर नम्रता और सरलता होगी वो लाइट रहेगा ऑटोमेटिकली, उसके अंदर भारीपन नहीं होगा किसी प्रकार का। और जो लाइट होगा वो एक्टिव तो होगा ही होगा, जो बाबा ने भी कहा कि हल्का जो है वो है। अब इसमें एक्टिव का मतलब कोई शरीर की बात तो है नहीं, इसमें एक्टिव का मतलब है कि जो बाबा कहता है सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, सेकंड में परिवर्तन करो। जैसे संस्कार मिलन है, अब कोई मेरे सामने ऐसी आत्मा आ गई है जो देह अभिमान वाली है, या उसके संस्कार जो हैं असुरी संस्कार हैं या कुछ इस तरह के संस्कार हैं, तो मैं लाइट होंगी तो मेरे लिए क्या होगा, मैं एक्टिवली अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लूँगी, अर्थात उनकी बातों पे फुल स्टॉप लगाकर
अपने आप को उस माहौल में, उस वातावरण में एडजस्ट कर लेंगे, इसमें हम एक्टिव हो जाएंगे। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये चारों ही चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, कि नम्रता ये। अब इसमें बैरियर क्या है, विघ्न क्या है, हम क्यों सरल नहीं हो पाते, हमारे अंदर नम्रता क्यों नहीं आ पाती, हम भारी क्यों हो जाते हैं और फिर हम एक्टिव क्यों नहीं रहते हैं। उसका मूल कारण जो बाबा भी कहता है वो है देहभान, ईगो। इसको बाबा अगर दुनियावी भाषा में ले तो उसको ईगो कहेंगे, और अगर बाबा की भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में देखते हैं तो वो है देहभान या देह अभिमान। वो आड़े आ जाता है हमारे हमारे अंदर आ जाता है कि मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे इसको इजी बनने में, वही हमारे आगे सबसे बड़ा विघ्न है। अब इस देह भान और देह अभिमान को कैसे खत्म करें? तो देह भान और देह अभिमान को खत्म करने के लिए हमें अपने आप को ऊंचे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करना पड़ेगा। जब अपने आप को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करते हैं तो देह भान और देह अभिमान जो है वो खत्म हो जाता है। अब सच्चे सबसे ऊंचा श्रेष्ठ स्वमान कौन सा है? जो हमारे अंदर हमारा देह भान और देह अभिमान खत्म कर देगा और हमारे अंदर नम्रता और ये सब बातें आ जाएंगी, वो बाबा खुद भी बताता है कि मैं विश्व सेवाधारी हूँ। बाबा स्वयं को भी गॉडली सर्वेंट कई बार कहता है कि मैं बच्चों का सर्वेंट हूँ। तो जब भगवान सर्वेंट बन सकता है तो हम बाबा के बच्चे, इस समय वर्तमान हमारा रोल क्या है? हम भल ज्ञानी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम इस समय विश्व सेवाधारी हैं। तो सेवाधारी के अंदर नम्रता का गुण, सरलता, ये सब बातें आ जाती हैं। तो ऐसे ऐसे विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, एक तो हम अपने 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 इस स्वमान में रहें, जो स्वमान हमारे अंदर ह्यूमिलिटी, नम्रता को लाए। इसी प्रकार से और भी बहुत अच्छे अच्छे बाबा ने स्वमान दिए हैं, जिस वो स्वमान बहुत ऊंचे हैं। अब ऊंचा बनना का मतलब ये नहीं है कि अभिमान में आना, कहते हैं ना महानता निर्माणता में है। तो जितना जो महान होता है वो उतना निर्माण होता है। तो ऐसे ही हम अपने अंदर, बाबा कहते हैं ऊंचे स्वमान में अपने आप को स्थित करेंगे तो हमारे लिए ये जो बाबा ने गुण कहे हैं ये हमारे अंदर आते जाएंगे, हमारा देह भान देह अभिमान खत्म होता चला जाएगा और संस्कार मिलन की जो रास है वो हमारे लिए सहज हो जाएगी। तो इसलिए उन स्वमान में अपने आप को सदा स्थित करने का हम प्रशारत करें तो हमारे लिए ये सहज हो जाएगा। बहुत अच्छा कहा दीदी आपने, जैसे कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि संस्कार मिलन किसके साथ करना है, कि आज हमें हमारे साथ जो रह रहे हैं उस पर नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य हमें कितना ऊंचा बाबा ने दिया है कि बाप समान मम्मा बाबा से हमें अपना संस्कार मिलाना है, जिससे हमारी दूसरों के साथ संस्कार मिलन की रास करने में हमें बहुत सहजता और सरलता मिलेगी। अगला जो प्रश्न है वो है, बाबा ने कहा, बाबा का ये लाइन है था कल 21 जून की मुरली में, स्थिति का आधार स्तुति है। लेकिन यूजुअली देखा जाता है कि निंदा के समय पर स्थिति हिलने लगती है और हम आत्माएं ऐसे समय पर एक तरस नहीं रह पाते, इस पर कुछ सुझाव दें। ओम शक्ति। अब जैसे ये बाबा ने उसमें विजयमाला में आने में ये भी बात बाबा ने कही थी कि स्तुति के समय तो हमारी अवस्था स्थिति बहुत अच्छी रखती है, हमारी स्थिति का आधार स्तुति हमने बना लिया है, और अगर कोई मेरी स्तुति स्तुति अर्थात मेरी महिमा मेरी प्रेज नहीं करता है तो हमारे निंदा कर देता है, चाहे छोटी सी ही निंदा क्यों ना करते, तो हमारी स्थिति एकदम डगमग हो जाती है, एक सेकेंड भी नहीं लगता है स्थिति को, अवस्था को गिरने में। अब स्तुति के आधार पर स्थिति बनाना यह हमारा संस्कार है, क्योंकि द्वापर से हमारी स्थिति स्तुति के आधार पर ही हमने बनाई। जब हमारी, क्योंकि लौकिक में भी हमारी स्थिति का आधार स्तुति था, लौकिकता इसी में ही थी कि हम अगर कोई मेरी तारीफ करता था तो हम खुश होते थे,
और अगर कोई मेरी बुराई कर देता था तो हम दुखी हो जाते थे। तो ये जो हमारा रावण का जो संस्कार है, अब ये संस्कार, ये भी एक संस्कार ही है, तो इस संस्कार को परिवर्तन करना है बेसिकली हमें, कि जो हमने अपने अंदर ये आदत डाल ली है स्तुति के आधार पर अपनी स्थिति। इसलिए आज देखो दुनिया में भी लोग जो है वो झूठी स्तुति ही मांगते रहते हैं ना, कोई नहीं करता है तो उसको पैसे के जोर पे या डांट के जोर पे, या जैसे कई बार हम देखते हैं कि लौकिक में भी ऑफिस वगैरह में भी अगर बॉस की स्तुति करते रहो तो बॉस आपका हर बात मान लेता है, आपके काम हो जाते हैं, और अगर उसकी जो निंदा करता है या स्तुति नहीं करता है, न्यूट्रल भी रहता है, तो बॉस उसके बल, वो कितना भी टैलेंटेड हो लेकिन उसकी बात जो है उसके काम में अड़चन आ जाते हैं। तो ये एक असुरी संस्कार है, ये कोई दैवी संस्कार नहीं है, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए। इसलिए बाबा ने जो कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने यही प्रैक्टिस करी, और साकार मूल्यों में भी कई बार बाबा कहता है निंदा स्तुति मान अपमान, इन दोनों परिस्थितियों में हमारी स्थिति एकरस रहनी चाहिए। ये योगी के लक्षण है, ये ज्ञानी, ये समझ ले, ये ज्ञानी का, ये ज्ञान से हमारे अंदर नहीं आएगी ये अवस्था। इस अवस्था के लिए हमें योग की जरूरत है। योगी जो है वो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय में एक समान रह सकता है, ये योग से प्राप्ति होगी। और योग की परख ही यही है, जो योगी होगा उसकी परख ही यही है। भल मुख से कोई कितना भी कहे मेरा योग बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके अंदर प्रैक्टिकली इन परिस्थितियों में एकरस स्थिति नहीं है, तो ये उसका थर्मामीटर है, ये उसका प्रूफ है कि इसका मतलब उसकी योग की कमी है। तो ये अवस्था बनाने के लिए हमें अपने योग को बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात अशरीरी अवस्था, निराकारी अवस्था का जो बाबा ने योग बताया है, बीज रूप अवस्था, जैसे मम्मा थी ना, मम्मा का योग इतना पावरफुल था, ब्रह्मा बाबा का योग, उन्होंने इस अवस्था को योग से प्राप्त किया। तो इसीलिए ये हमारा योग का सब्जेक्ट है, ये योग की कमी। इसलिए जो बाबा कहता है ना कि त्रेता में कौन आते हैं, या हमारा जो स्टेटस कम, माला से क्यों 108 की माला में नहीं आए, 16108 में आए, या 9 लाख में आए, या 33 करोड़ में आए, तो इसमें जो ये नंबर कम हुए उसका मुख्य कारण योग की कमी है। जो संगम युग पर इस समय जो योग जो है वो कम होने के कारण माला के दाने से निकल कर हमारा दाना जो है वो हमारा दूसरी माला में या तीसरी चौथे नंबर की माला में चला जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके लिए हमें अपने योग को पावरफुल बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा। तो जैसे आपने कहा दीदी कि हमें अपने आप को बार बार स्मृति को अपने अंदर हम दोहराएं कि हम कौन हैं, हम योगी तो आत्मा हैं, और अपने योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि हम अपनी स्थिति को एक रस बना सकें। अगला बाबा ने कहा, जो विश्व महाराजन होंगे वो सर्व के स्नेही होंगे, परंतु गृहस्थ व्यवहार में देखा जाता है कि हम सर्व के साथ सहयोग करना मुश्किल लगने लगता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम सर्व के स्नेही बन सके, इसके लिए क्या करें? बाबा ने स्मुरली में ये भी कहा कि क्योंकि 108 की माला में आना माना विश्व महाराजन बनना, और विश्व का जो महाराजा होगा नेचुरली वो तो सर्व का स्नेही होगा, सब उसको प्यार करेंगे और उसका भी सबके साथ प्यार होगा। लेकिन वो सर्व का स्नेही कोई सतयुग में ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा, वो संगम युग पर वो धारणा होगी उसकी। अब क्या होता है कि सर्व के स्नेही सर्व के सहयोगी हम क्यों नहीं बन पाते? अगर एक सेकंड के लिए हम सोचे कि बाबा जो विश्व पिता है
और वो सबको जानता है। बाबा कई बार कहता है कि कौन क्या है मुझे सब पता है, यहाँ तक कि हमारे अंदर क्या चल रहा है वो भी उसको पता है, सब कुछ उसको जानता है। हम सारा दिन में क्या करते हैं, क्या कर्म करते हैं, हमारा सब आदि मध्य अंत उसको पता है। सब कुछ जानते हुए भी बाबा सबके प्रति स्नेह की दृष्टि रखता है, कैसे? सब कुछ जानते हुए भी हमारे प्रति बाबा की दृष्टि सदा स्नेह की रहती है। उसका मुख्य कारण है, बाबा ने भी कई बार बताया कि बाबा जो है एक हमको आत्मिक रूप से देखता है, वो देह को देखता ही नहीं है ना। दूसरी बात, बाबा कभी भी हमारे अवगुणों को नहीं देखता है, हमारी कमी कमजोरियों को नहीं नहीं देखता है। माना कि अगर वो हमको सुधारने के लिए बताता भी है तो भी बाबा नहीं देखता है का मतलब चित्त में नहीं रखता है ना। तीसरी बात, बाबा ने एक बार कहा था कि मैं तो आपको आपका वर्तमान पुरुषार्थ नहीं देखता हूँ, मैं आपको फरिश्ता रूप में कि ये फरिश्ता बनने वाले बच्चे हैं, ये देवता बनने वाली आत्माएं हैं, उस नजर से देखता हूँ ना। अब यही बात हम भी अपने में धारण कर सकते हैं कि जब हम व्यवहार में आते हैं तो व्यवहार में आते हुए अगर हम ये तीन बातों का ध्यान रखें, एक कि हमें सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है, दूसरा जो बाबा कहता है कि गुणग्राही बनो, हंस बनो, बगुले नहीं बनो, हर एक के गुणों को देखो। देखो माना कि अगर किसी को जैसे परिवार में सदस्य होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कुछ जिम्मेवारियां भी होती हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं, वहां पर भी जॉब करते हैं, या अपना बिजनेस है, स्टाफ है, वो गलतियां कर रहा है, ये सारी बातें होती हैं, वो सब दिखता है और उनको सुधारना भी है, लेकिन सब कुछ करते हुए अपने चित्त में नहीं रखें। चित्त में रखने से फिर वो स्नेह में कमी आ जाती है। उनको सुधारना, उनका उनका कल्याण का सोचना, वो एक अलग बात है, स्नेह अलग बात है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के अंदर अवगुण है तो वो स्नेह का पात्र नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो वो जैसे अगर हम अपने अंदर रखें, और तीसरी बात कि हमें अगर वो ब्राह्मण आत्मा है तो सदा उस आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप से देखें कि भाई ये एक देवी देवता कुल की आत्मा है, ये देवता बनने वाली आत्मा है, ये फरिश्ता आत्मा है। अब क्या होता है जब हम उसको, कई बार ये भी एक आ जाता है कि जब हम उसको उस कुल का देखते हैं कि ये देवता बनने वाली आत्मा है, फरिश्ता बनने वाली आत्मा है, कई बार उसका उल्टा इफेक्ट ही आ जाता है। कई लोग कहते हैं ये देखो इनके संस्कार, ये क्या देवता बनेंगे, इनके अंदर दिखता तो है नहीं देवता बनने वाला संस्कार। कई ऐसे भी उल्टे दिमाग के होते हैं कि वो और ही उल्टा सोचने लग जाते हैं और फिर उनके प्रति घृणा करने लग जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि अभी सब पुरुषार्थ ही हैं, अभी सब देवता बन रहे हैं। तो ये सारा जो बातें हैं, और तीसरा जैसे जो बाबा ने कहा कि ये देवता बनने का जो है, और जो तीसरा जो अर्थात ब्राह्मण नहीं है दुनिया में, लौकिक आत्माएं हैं, तो वो भी तो बाबा कहता है ना, ओरिजिनली तो हर एक आत्मा जो है सत्व प्रधान ही है, अर्थात हर एक आत्मा पवित्र ही है। तो उनके उनके ओरिजिनल स्वरूप से देखें और किचड़े को ना देखें। जब हम अपने अंदर, ये हर एक का अपना पर्सनल पुरुषार्थ है, तो जब हम अपने अंदर ये पर्सनल ये अटेंशन रखेंगे तो हम सर्व के स्नेही बन सकते हैं। और एक बात और ध्यान में रखें कि क्या कभी किसी से घृणा करके, क्रोध करके हम किसी का परिवर्तन कर पाए हैं? कभी भी नहीं। बाबा हमेशा कहता है कि प्यार में ताकत है, स्नेह में ताकत है परिवर्तन करने की, क्रोध में, घृणा में, इन रोब में, इसमें परिवर्तन करने की ताकत नहीं है, उसमें संबंध खराब होते हैं। तो ये जैसे हम अपने जीवन का एक लक्ष्य बना ले, जो बाबा ने कहा कि कोई कुछ भी दे लेकिन मैं किसी
किसका बच्चा हूँ, प्यार के सागर का बच्चा, मुझे सबके साथ प्यार से चलना है, ये अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, तब हमारे अंदर ये सर्व के जो बाबा ने कहा स्नेही और सहयोग, जो बाबा ने कहा ना कि स्नेह देंगे सहयोग और सर्व के सहयोगी बन पाएं, स्नेही और सहयोगी बन। थैंक यू दीदी, आपने ये जो 3 पॉइंट्स बताए बहुत अच्छा क्लियर किया आपने, कि हम अपने आप को एक 3 पॉइंटर्स के रूप में देखें, चेक करें बार बार कि मैं आत्मा और हर जिसके साथ भी हम संबंध संपर्क में आए कि ये भी आत्मा है, और दूसरा कि हम हमेशा विशेषताओं को देखें, गुणों को देखें, और तीसरा जो आपने कहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कौन हूँ जो ये देख रही हूँ। हम स्वयं को कहते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं, भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो अगर हम इस स्थिति में होकर अगर देखेंगे तो कितना ऊंचा हम सोचेंगे, और ऐसे हम ज़रूर सर्व के स्नेही बन पाएंगे। और जो लक्ष्य बाबा ने दिया 108 की माला में आने के लिए, हम ज़रूर वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। अगला जो प्रश्न है वो 28 जून की मुरली से है, जिसमें बाबा ने कहा कि अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होंगे तो समस्याएं विघ्न रूप नहीं ले सकेंगे, और सहज ही उन समस्याओं का आप ही समाधान हो जाएगा। इस पर थोड़ा और समझाएं। ओम शांति। जो बाबा की ये मुरली थी, ये रिवाइज डेट 18/2 की थी, तो बाबा ने उसमें बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे हम जीवन में आने वाली समस्याओं को समाधान में परिवर्तन करें, उसके लिए हमें अपने अंदर कैसे पुरुषार्थ करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, और कैसे बाबा के ज्ञान और योग से हम समाधान स्वरूप हम स्वयं ही बन सकते हैं। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना, अपना टीचर खुद बनो, अपने डॉक्टर खुद बनो, तो समस्याओं का समाधान हमारे अपने पास ही है। ये बाबा ने इस मुरली में और इस पॉइंट में क्लियर करा। उसके लिए बाबा ने कहा कि जैसे शुरू में आदि में ब्रह्मा बाबा से ब्रह्मा बाबा भी दिखता था और कृष्ण भी दिखता था, दादियों के लिए भी बाबा ने बताया कि आदि सेवा के जो रतन थे तो कहते थे ये देवियाँ हैं या अलौकिक व्यक्तियाँ हैं, कि ये कोई साधारण आत्माएँ नहीं हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर आपके सामने भी कोई भी समस्या आती है और अगर आपकी स्मृति श्रेष्ठ है, अर्थात कि मैं फरिश्ता हूँ, श्रेष्ठ स्मृति अर्थात कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ, इस श्रेष्ठ स्मृति में चलते फिरते अनुभव करते चलेंगे तो आपके सामने कोई बुरी दृष्टि वाला, कुदृष्टि वाला, या आपको कोई धोखा देने वाला, या आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला, किसी भी तरह की हानि पहुंचाने वाला आएगा भी, तो वो परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऊंचे श्रेष्ठ स्वमान के का प्रभाव उसके ऊपर सूक्ष्म में पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने एक बात तो ये कही कि इसलिए चलते फिरते मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ, इस स्मृति में मैं चलें। दूसरा बाबा ने कहा कि अब ये स्मृति में क्यों नहीं चलते हैं, तो दूसरा बाबा ने सावधानी दी कि बच्चे आप जो है छोटी छोटी बातों में अभी टाइम बहुत देते हो, अपने तन मन संबंध निभाने में, अपनी छोटी छोटी जो जीवन में आने वाली बातें हैं उसमें बहुत एनर्जी लगा देते हो, जिस कारण से जो वो श्रेष्ठ हमारा स्वरूप है वो उससे हम नीचे आ जाते हैं, इसलिए फिर हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो हमारे को बड़ी दिखने लग जाती हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वो स्वयं की छोटी छोटी बातों में अब संकल्प नहीं चलाओ। और एक और बाबा ने इसमें बात बोली कि समस्याएं को समाधान में बाबा ने कहा सेवा, बाबा ने सेवा को बहुत इम्पोर्टेंस दी कि अगर हम सेवा करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, तन से मन से धन से कैसे भी सेवा करते हैं बाबा की, तो सेवा गिफ्ट बन जाता है उन्नति का। और बाबा ने कहा सेवा का मेवा, और मेवा बाबा ने कहा कि वो सूक्ष्म में आत्मा में बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ता है, तो जो शक्तिशाली आत्मा है, सेवाधारी है, सेवा में है,
तो बाबा ने कहा उसके आगे भी समस्याएं जो हैं झुक जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि शक्ति के आगे समस्याएं झुकेंगी। और दूसरा बाबा ने कहा कि आप सेवा में बिजी होते हैं, आपके पास फुर्सत नहीं है, तो उसके पास माया को आने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। तो ये जैसे बाबा ने एक सेवा का तरीका बताया कि सेवा जो है वो मेहनत से छुड़ाने वाली है। तीसरी बात जो बाबा ने कही कि संस्कारों में बहुत ताकत होती है ना, संस्कार जो है वो समस्या के समाधान में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो बाबा ने एक संस्कार बोला कि अपने अंदर मैं विजयी हूँ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। क्योंकि अगर हम, कई लोग पहले ही सोचते हैं पता नहीं हम प्रॉब्लम आ गई तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा, कैसे हो गया, अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अगर हम अपने अंदर विजयीपन के संस्कार इमर्ज करें, जो बाबा कहता है कि आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, कि पिछले कल्प में भी हमने माया पर विजय प्राप्त करी थी और कोई भी समस्या आ जाए उस समस्या को पहले भी हमने विजयी, तो विजयीपन जो बाबा ने कहा कि विजयी में जो ये ताकत होती है कि जिसके अंदर विजयी परपन के संस्कार होंगे तो दुश्मन जो है वो उस संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाता है, अर्थात हार मान लेता है कि ये तो इतना पावरफुल है, वो आपको नुकसान अर्थात माया हम पर कोई भी वार करने से पहले ही जो है झुक जाएगी। तो ये बाबा ने जैसे तरीके बताए कि अगर हम अपने अंदर, इसका सार जो इन सब बातों का ये निकलता है कि हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, चाहे अपने संस्कारों को बलवान बनाना है, विजयी फन। तो जितना हम अपनी एनर्जी अपने आप को स्ट्रांग बनाने में लगाएंगे तो माया या परिस्थितियां ऑटोमेटिकली ही आएंगी ही नहीं, वो वहीं पर ही समाप्त हो जाएंगी। तो जब परिस्थिति आएगी नहीं तो फिर वो समाधान स्वरूप तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो बाबा ने कहा पहले परिस्थिति आती है, एक बार बाबा ने मुरली में कहा पहले प्रॉब्लम आती है, आप प्रॉब्लम से पहले डरते हो, फिर उसके बाद लड़ते हो उस प्रॉब्लम के साथ, उन परिस्थितियों के साथ, तो उसमें बहुत टाइम और एनर्जी चला जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि हमें राइट वे से अपनी टाइम और एनर्जी कहाँ लगानी है कि अपने आप को शक्तिशाली, जैसे बाबा ने जो बातें बोली, तीन चार बातें बोली कि चलते फिरते एक, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप, दूसरी बाबा ने कहा सेवा का मेवा खाओ, तीसरी बात बाबा ने कहा कि बिजी रहो, फुर्सत नहीं होगी आपके पास तो माया के पास भी फुर्सत नहीं होगी, और चौथी बात बाबा ने कही कि अपने अंदर विजयीपन के संस्कार जो है वो इमर्ज करो। तो ये चार बातें हम अपने अंदर अगर लाएंगे तो समाधान स्वरूप बन जाएंगे स्वयं ही। जैसे आपने कहा दीदी कि अपने श्रेष्ठ स्वरूप को बनाने के लिए, जिससे हमारे समक्ष जितने भी समस्याएं आए वो उसका समाधान हो जाए, उसके लिए तीन बातें विशेष ध्यान देने के लिए ज़रूरी है। जो आपने बताया कि एक सेवा, कि सेवा पर अटेंशन दे, कि मैं सेवाधारी हूँ, विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, फरिश्तेपन का अभ्यास करें, और तीसरा स्वमान, कि मैं विजयी आत्मा हूँ। तो इस स्मृति में रहकर हम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और विघ्न विनाशक बन सकते हैं। अगला बाबा ने कहा था, रिजल्ट सुनाया बाबा ने, कि ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा समय, चाहे वो हमारा ब्राह्मण जीवन कितना भी समय का हो, लेकिन सबसे ज्यादा समय संस्कार परिवर्तन में जाता है। बाबा ने सार में कहा कि एक ही मूल संस्कार है जो भिन्न भिन्न समस्या बनकर आती है। इसको बाबा ने कमजोर संस्कार और मूल संस्कार कहा, जिसको बाबा ने कहा कि समाप्त करना है। इसे कैसे समाप्त करना है, इसके लिए थोड़ा समझाएं। बाबा ने इसी मुरली में आगे जो निहारिका बेन ने कहा कि रिजल्ट सुनाई, तो उसमें बाबा ने यही कहा कि बाबा ने रिजल्ट में यही देखा कि चाहे कोई कितना भी पुराने हैं या नए हैं, लेकिन आदि से अब तक जो है ब्राह्मण आत्माओं का समय जो है वो संस्कार परिवर्तन में बहुत जाता है, और वो है एक ही संस्कार,
जिसको बाबा ने कहा है एक ही मूल संस्कार है, मूल अर्थात कमजोर मूल संस्कार है जो भिन्न भिन्न रूप से आता है। बाबा ने उदाहरण भी दिया कि जैसे मूल संस्कार एक ही है कि जैसे किसी को बुद्धि का अभिमान है, अब है वो बुद्धि का अभिमान, अब वो बुद्धि का अभिमान कभी किस रूप में, कभी हम दूसरे को अपनी बुद्धि का अभिमान आता है तो दूसरे के प्रति हम नीची दृष्टि से उसको या उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, और फिर वो हमारे लिए जैसे उसके साथ हमारे संस्कार मिलन नहीं हो पाता और समस्याएं बनती चली जाती हैं, और हमारा सारा समय उन समस्याओं को ठीक करने में या संस्कारों को परिवर्तन करने में चला जाता है। अब क्योंकि बाबा ने कहा कि ये समय कम है और हमें विश्व सेवा भी करनी है, विश्व परिवर्तन भी करना है, कमाई भी करनी है, और अगर हम अपना टाइम संस्कार परिवर्तन में ही संगम युग की घड़ियां बिता देंगे तो हम क्या कमाई करेंगे, हमारा समय तो इसी में ही चला जाएगा, टाइम कम है। इसलिए बाबा ने बच्चों को राय दी कि इस संस्कार परिवर्तन में जो आप मेहनत कर देते हो, समय लगाते हो, उस समय को बचाओ, टाइम सेविंग के लिए बाबा ने कहा। अब उसकी जो बाबा ने विधि बताई, वो बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई कि एक लॉ बताया कि जब आपको किसी को खत्म करना होता है, जैसे बाबा कहता है कि किसी परिवर्तन करना होता है या किसी चीज, तो उसको अग्नि में डाल दिया जाता है ना, जैसे हम अग्नि में कोई चीज डाल देते हैं तो वो भस्म हो जाती है अग्नि में डालने से, अर्थात जैसे कोई बहुत पावरफुल चीज होती है, जैसे सूरज की किरणें हैं, तो सूरज की किरणें कितनी पावरफुल होती हैं, तो उसमें कीटाणु जर्म्स वगैरह जो है वो बस सूरज के नीचे रख दो धूप में तो वो नेचुरली ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सूरज जो है वो उनसे पावरफुल है। तो अर्थात कि अगर हमें कमजोर मूल संस्कार को ख़त्म करना है तो उसके लिए मुझे अपने अंदर एक महासंस्कार को पैदा करना है। अब वो महासंस्कार क्या करेगा, वो उस कमजोर मूल संस्कार का खत्मा करेगा ना, जैसे संस्कार संस्कार को मारेगा ना, तो बाबा ने कहा एक महासंस्कार अपने अंदर पैदा करो और वो आपके कमजोर संस्कार को खत्म कर देगा। तो आपका जो टाइम जाता है संस्कार से युद्ध करने में, मारने में, क्योंकि अब आप देखो कि अब दुश्मन आपके साथ सामने तलवार लेकर आया है और आप उसके साथ छोटा सा चाकू लेकर लड़ने लग जाएंगे या उसकी उसको उस पर, तो विजय नहीं पा पाएंगे, माना हमें या तो उसके बराबर या उससे भी पावरफुल बनना पड़ेगा तब। तो महासंस्कार हमें अपने अंदर, तो महासंस्कार कौन सा, जैसे अगर बुद्धि का अभिमान है, सपोज अगर हम देखें कि अगर मेरे अंदर मूल संस्कार है बुद्धि का अभिमान, तो अभिमान जो है बुद्धि का, उसके अगेंस्ट में ये मेरा कमजोर मूल संस्कार है। अब उसके अगेंस्ट में आपको महासंस्कार कौन सा नजर आता है अभिमान के अगेंस्ट में, है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसके अगेंस्ट में जो महासंस्कार है वो है स्वमान, ऊंचा स्वमान, श्रेष्ठ स्वमान, अभिमान नहीं, हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में, जैसे बाबा ने कहा ना कि विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो ना? तो अभिमान को हम श्रेष्ठ स्वमान से या रूहानी नशे से, जो बाबा कहता है कि रूहानी नशे में रहो, ऐसे हमको ढूंढना पड़ेगा कि बाबा ने जो हमको ईश्वरीय संस्कार दिए हैं इस समय, उन संस्कारों में से मुझे एक संस्कार पर वर्क करके वो महासंस्कार को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम उस कमजोर मूल संस्कार को पानी दे रहे हैं, कैसे, हमारा सारा टाइम एनर्जी बुद्धि मन कहाँ चलता है, ये मेरा संस्कार है, पता नहीं कब परिवर्तन होगा, है ना, फिर कई बार हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरों को भी कहते हैं आप समझ लो ना मेरी नेचर ऐसी है, हम ये क्या कर रहे हैं, उस संस्कार को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम उस संस्कार को पानी दे रहे हैं।
तो उससे क्या हो रहा है, वो कमजोर संस्कार तो फलीभूत होता चला जा रहा है उसको, क्योंकि पानी भी मिल रहा है ना। और हम उस कई बार उसको जस्टिफाई भी करते रहते हैं अपने उस कमजोर मूल संस्कार को, तो उसको धूप पानी सब कुछ दे रहे हैं। अब वो कमजोर मूल संस्कार तो फल फूल रहा है, और जो संस्कार, जो दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार है, उसके लिए हम सोच रहे नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो मैं धारण नहीं कर सकती बाबा, पता नहीं, ये तो मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है, मैं कैसे सहन करूं, मैं सर्व के स्नेही कैसे बने, मैं कैसे अपने व्यर्थ व्यर्थ संकल्पों को, वहां पर हम क्या क्या क्यों कैसे करते हैं। तो वो क्या हो रहा है, हम ना उस संस्कार को ना पानी दे रहे हैं ना धूप दे रहे हैं, तो वो संस्कार तो मेरा फल नहीं रहा, फूल फूल नहीं रहा है, और मूल संस्कार मेरा बड़ा होता चला जा रहा है। इसलिए हमें अपने कमजोर मूल संस्कार को धूप पानी देना बंद करो, और ईश्वरीय संस्कार को धूप पानी दो, उसको सूरज की किरणें अर्थात योग लगाओ, उसको पानी पिलाओ अर्थात ज्ञान का अमृत पिलाओ, उसके ऊपर वर्क करो कि नहीं, क्यों नहीं होगा, मेरा ये संस्कार है। तब हमारा जो है, बाबा ने कहा, उस महासंस्कार से परिवर्तन होगा। और दूसरा बाबा ने सेवा का भी बोला कि सेवा से का फल शक्ति मिलती है, और सेवा की शक्ति, जो फल से जो शक्ति मिलती है, उससे भी जो है वो संस्कार जो है वो स्वतः ही मर जाएगा। तो ये जैसे बाबा ने कहा कि अब, और बाबा ने दान की भी बात कही कि एक और नियम बाबा ने कहा कि दान करने देना नहीं लेना है। तो जैसे बाबा कई बार कहता है कि बाबा को दान में दे दो, तो ये भी एक युक्ति होती है कि ये संस्कार बाबा को, हम, बाबा कहता है ना कि अपने जो पुराने संस्कार हैं वो बाबा को दान में दे दो, फिर दान में दी हुई चीज ली नहीं जाती। तो ऐसे भिन्न भिन्न बातें बाबा ने बताई हैं युक्तियां, लेकिन अब करना वो हमारे ऊपर है। वेरी वेल सेड दीदी, कि कमजोर संस्कार को समाप्त करने के लिए महासंस्कार क्रिएट करना, जिसके लिए आपने हमें स्वमान पर अंडरलाइन करवाया कि हमें श्रेष्ठ स्वमान रखना है, रूहानी नशे में रहना है। अगला जो प्रश्न है, जो बाबू ने आदि रत्नों से मुलाकात में ब्रह्मा बाबू के चरित्र को बताते हुए कहा। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा में कभी यह संकल्प नहीं आया कि मैं आगे रहूं, सदा त्यागी रहे, हमेशा बच्चों को आगे किया। कुछ भी यूज करने से लेकर कोई भी चीज में बाबा ने हमेशा पहले बच्चे, ऐसा ही कहा। बाबा कहता भी है कि फॉलो फादर, तो बाबा की इस विशेषता को हम कैसे फॉलो करें? आज बाबा ने मुरली में जब आदि रत्नों से, दादियों से मिलते, तो बाबा ने आदि रत्नों को कहा कि आप बहुत विशेष आत्माएं हो, क्योंकि डायरेक्ट पालना ली है। तो आदि देव की डायरेक्ट पालना और भगवान की डायरेक्ट पालना लेने वाली आप आत्माएं हो, तो उनमें कितनी। तो बाबा ने चरित्र बताते हुए ब्रह्मा बाबा का ये बताया कि ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया, कि कभी बाबा ने ये संकल्प नहीं करा कि मैं आगे आऊं, और उस त्याग को ही बाबा ने श्रेष्ठ त्याग कहा है। और इसी त्याग के कारण जो है ब्रह्मा बाबा नंबर वन बने, ये बाबा ने बताया है। अब होता क्या है कि दुनिया में इस त्याग को, अर्थात कि स्वयं को पीछे रखना और दूसरों को या अपने साथियों को आगे रखना, इसको लॉस समझा जाता है, या इसको कुछ लोग समझते हैं कि ये मूर्ख है कि खुद पीछे रहता है और दूसरों को आगे करता है। क्योंकि इतने समय से हम कलयुग में और कलयुगी आत्माओं के साथ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हमारे अंदर भी में भी ये भावना बैठ चुकी है कि अगर हम पीछे रहेंगे, अगर दूसरों को आगे करेंगे, तो हमारी वैल्यू नहीं रहेगी और हमको कोई पूछेगा नहीं, और उसमें हमको लॉस दिखता है। इसलिए हम हर बात में कोशिश करते हैं
कि हमको फ्रंट में रखा जाए, हम लाइमलाइट में रहें, या अगर हमने कोई काम किया है तो उसके एप्रिसिएशन में हमें कुछ ना कुछ नाम या वो रिवॉर्ड दिया जाए। अब उसका अगर आप बीज देखेंगे तो अंदर में एक तरह की सूक्ष्म इनसिक्योरिटी होती है, जिस कारण से हम हमेशा आगे आना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने जो हमको आध्यात्मिक रूप इसका बताया है, वो ये बताया है कि बच्चे, अगर तुम संगम युग पर ये त्याग करते हो तो इस त्याग में भाग्य है, भविष्य में आपको प्रारब्ध बहुत ऊंची मिलेगी। तो कलयुगी आत्माएं जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म सोचती हैं कि इमीडिएटली इंस्टेंट, क्योंकि उनकी बुद्धि तो हद की है और बाबा ने हमारी बुद्धि बेहद की बनाई है। तो जब हम इस बात को बेहद की बुद्धि से, बेहद की दृष्टि से देखते हैं, फार साइटेड होकर देखते हैं, तो हमारे अंदर इसका जो है आंसर हमें मिलता है कि ये एक्चुअल में त्याग नहीं है, इस ये तो त्याग में भाग्य समाया हुआ है। तो हमारे लिए ये त्याग करना सहज हो जाता है, और जिसको ये त्याग त्याग लगता है, अर्थात लॉस लगता है, या उसमें ऐसा लगता है कि हमारी ये बिलीफ सिस्टम में आ जाता है, तो उनके लिए ये त्याग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जब हमारे अंदर ये स्पष्टीकरण आ जाता है, तो ब्रह्मा बाबा, और हमने देखा ब्रह्मा बाबा के अंदर ये स्पष्ट था कि मैं भविष्य में कृष्ण बनने वाला हूँ और वो प्रजापिता था, तो बाबा के अंदर ये त्याग भाव नेचुरल आया। इसलिए बाबा ने कहा कि वैभवों का त्याग, और इस त्याग को ही बाबा ने एक्चुअल में ये त्याग वो कर पाएगा। बाबा ने ये भी क्लियर करा कि ये त्याग प्रूफ है कि उसका जो मैपन है वो मिट गया है, ये मैपट मिटने का प्रूफ है। तो ये जो त्याग है, इसके लिए जो अंदर में जितना हमारे अंदर ये ज्ञान का गहराई में जाते हैं और स्पष्टीकरण होता चला जाता है, तो ये हमारा जो है नेचुरल संस्कार, नेचुरल विशेषता मिल जाती है, और उससे हमारा जो बाबा कहते हैं ना, माला के मणके में आपका नंबर आगे हो जाएगा, तो उसमें हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमने सीखा कि कैसे हम ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को अपने अंदर धारण करें और फॉलो फादर करें, जैसे कि दो स्पेशल पॉइंट्स आपने क्लियर किया कि हमें अपने भविष्य को देखना है, जैसे बाबा ने अपने सामने सदैव लक्ष्य रखा कि हम क्या बनने वाले हैं, उस पर ध्यान दें। उम्मीद है आपको सारी पॉइंट्स आज की क्लियर हुई होंगी और आप इसको अनुभव में लाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे और उन्नति को पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और अगले हफ्ते की मुरलियों के साथ हम आपके पास फिर से उपस्थित होंगे। थैंक यू। ओम शांति।